ऑल राइट चिल्ड्रन, जैसे कि हमने अभी वीडियो देखी है, ठीक है, कि हम भे के साथ दो चश्मे हे के साथ कैसे हम बारी अल्फाजों को, दो हरफी अल्फाजों को हम उसके साथ मिला के लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हम काम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं बुक में और कॉपी में भी, तो अब हम वर्कशीट पे काम करेंगे। सबसे पहले अपनी तारीख लिखेंगे। तारीख आज की है 28/4/2021 और ये है हमारा C.W। ठीक है, ये कौन सा हर्फ है? बे। बे के साथ दो चश्मे है जब मिलता है तो भारी अल्फाज क्या हो जाती है? भे। अब हम पहले सबसे पहले देखेंगे अलिफ के साथ हम भे को मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? भे के साथ अलिफ भा, भे के साथ वाव भो, भे के साथ जब वाव लिखा तो भो, भे के साथ छोटी ये भी, भे के साथ छोटी बड़ी ये भे। हमेशा याद रखिएगा जब हम दो चश्मे बनाएंगे तो ऊपर से हर्फ गोल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम दो चश्मे हे बनाएंगे और अलिफ वाव छोटी है बड़ी है, ये चारों क्या कहलाते हैं? हर्फे इल्लत। हर्फे इल्लत के साथ जब हम मिला के लिखेंगे तो ऐसे लिखे जाएगा। अब हम इसी तरह सारे हर्फ के साथ मिला के लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि हे अलिफ था, भे वाव फो, भे छोटी ये फी जैसे के फूफी, भे बड़ी ये फे। ठीक है, तीन नुक्ते थे, पहले थो के साथ अलिफ था, ठीक है, ते के साथ वाव, थे के साथ वाव थो, थे के साथ छोटी ये थी, थे के साथ बड़ी ये थे। ठीक है, ठीक है, अब थे के बाद झे, जीम और दो चश्मे है और अलिफ झा, जीम की आधी शक्ल इस तरह होती है, फिर दो चश्मे है बनेगा और वाव झो, जीम दो चश्मे है और छोटी ये जी, जीम दो चश्मे है और छे, छे और दो चश्मे है के साथ बड़ी ये मिला के लिखेंगे तो छे बन जाएगा। दाल दो चश्मे है, अब गौर से देखें, दाल हमने लाइन से थोड़ा सा नीचे दो चश्मे है, धे और अलिफ धा जैसे धागा बनता है, दाल दो चश्मे है और वाव धो, दाल दो चश्मे है और छोटी ये धी, दाल दो चश्मे है और बड़ी ये धे। ठीक है, इसी तरह ढे भी लिखेंगे, दाल दो चश्मे है और अलिफ ढा, दाल दो चश्मे है और वाव धो, दाल दो चश्मे है और छोटी ये धी, दाल दो चश्मे है और बड़ी ये ढे। इसी तरह हम सारा काम मुकम्मल करके मिस को पिक्चर सेंड करेंगे।
चलिए बच्चों अब हम लिखते हैं हुर्फ, दूसरी शीट करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम तारीख लिखेंगे 28-4-2021 CW, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने दाल के साथ हुरूफ लिखे थे अलग अलग, क्योंकि रे किसी का दोस्त नहीं होता, वो शरारती हुरूफ होता है, ठीक है। इसी तरह रे के साथ दो चश्मे हैं और अलिफ, इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, और रे के साथ भी। अब हम लिखते हैं काफ। काफ की पहले आधी शक्ल बनाएंगे, ये है काफ की आधी शक्ल, ठीक है। फिर दो चश्मे हैं और अलिफ, खा, काफ, दो चश्मे हैं और फिर वाव, खो, काफ, दो चश्मे हैं और फिर छोटी ये, खी, काफ, दो चश्मे हैं और बड़ी ये, खे, ठीक है। इसी तरह काफ के बाद गाफ, गाफ, दो चश्मे हैं और अलिफ, घा, थोड़ा सा लाइन से ऊपर लिखेंगे और अच्छी तरह से मिला के लिखेंगे, ठीक है। पहले आधी शक्ल बनाएंगे, आगे जाके वाव, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो आधी शक्ल इस तरह बनाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, इस तरह, ये गलत काम है, ठीक है। आराम से अपना काम गौर से देखिएगा और आराम आराम से लिख के मिस को काम कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। मुझे सही काम चाहिए, बेशक आपको काम करने में वक्त लगे, ताकि अच्छे से हम सीख लें। घी, गाफ, दो चश्मे हैं और बड़ी ये, घे, इसी तरह हम लाम को लिखेंगे, लाम, दो चश्मे हैं और अलिफ, लाम की डंडी थोड़ी लंबी बनाएंगे और आगे जाएंगे, इस तरह होता है लाम का आधी शक्ल, ठीक है। लाम की आधी शक्ल, लाम, दो चश्मे हैं और आगे जाके वाव बनाएंगे, लाम, दो चश्मे हैं और छोटी ये, ली, लाम, दो चश्मे हैं और बड़ी ये, ले। इसी तरह मीम, मीम हमेशा याद रखिएगा, मीम की शक्ल जब आधी में होती है वो नीचे से बनती है, ठीक है, मीम, ठीक है। अब गौर से देखिए हम इस कैसे लिखते हैं, मीम, दो चश्मे हैं, अलिफ, मह, मीम, दो चश्मे हैं और वाव, मुह, मीम, दो चश्मे हैं और छोटी ये, मी, मीम, दो चश्मे हैं और बड़ी ये, मे। इसी तरह नून बिल्कुल टर्न होके बनेगा बे की शक्ल में, ठीक है, नून, दो चश्मे हैं, ठीक है, नून, दो चश्मे हैं और अलिफ, ना, नून, दो चश्मे हैं और आगे जाके वाव, नो, नून, दो चश्मे हैं और छोटी ये, नी, नून, दो चश्मे हैं और बड़ी ये। इस तरह काम मुकम्मल करके मिस को पिक्चर सेंड करेंगे।